मोदी सरकार को घेरने का एक भी मौका विरोधी नहीं छोड़ते हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है तो मोदी सरकार को घेरने के लिए उस पर भी सवाल उठाए जाने लगते हैं कि सरकार के प्रभाव में ये फैसला आया होगा। इतना ही नहीं, अयोध्या के राम मंदिर पर फैसला देने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस रंजन गोगोई को जब रिटायरमेंट के बाद मोदी सरकार ने राज्यसभा भेजा, उसी के बाद से विरोधी मोदी सरकार पर और हमलावर हो गए और न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठाने लगे। अब सोचिए जरा, जिस विपक्ष ने मोदी सरकार को नहीं बख्शा तो वो भला योगी सरकार को कैसे छोड़ सकती है। जिसने कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित के बेटे श्रीयेश यू ललित को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल में नियुक्त किया था। इस नियुक्ति के बाद से ही योगी सरकार के साथ साथ न्याय व्यवस्था पर भी एक बार फिर सवाल उठने लगे थे कि जिस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू ललित मुख्य न्यायाधीश हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट में उनके बेटे श्रीयेश यू ललित योगी सरकार का केस लड़ेंगे। यही वजह है कि इस मामले में विवाद बढ़ने पर फिलहाल योगी सरकार ने श्रीयेश यू ललित की नियुक्ति से जुड़े आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। कौन है श्रीयेश यू ललित? श्रीयेश ललित की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM में ग्रेजुएशन की है, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं। श्रीयेश यू ललित को कई बड़े संस्थानों से स्कॉलरशिप मिल चुकी है, इनर टेंपल से पेगासस स्कॉलरशिप से स्कॉलरशिप मिल चुकी है, सिलरैप से आउटस्टैंडिंग यंग स्कॉलर्स अवार्ड, कैम्ब्रिज ट्रस्ट स्कॉलरशिप, नरोत्तम सेकसरिया स्कॉलरशिप, JN टाटा स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। वकालत के अलावा IIT ग्रेजुएट श्रीयेश एक इंजीनियर भी रह चुके हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में IIT से ग्रेजुएशन की है। श्रीयेश काम के अलावा फुटबॉल और चेस के भी शौकीन हैं। चार पीढ़ियां वकालत से जुड़ी हैं। श्रीयेश यू ललित के लिए वकालत के पेशे से जुड़ना कोई नई बात नहीं है। वो उस परिवार से आते हैं जिसकी कई पीढ़ियां इस पेशे से जुड़ी हैं। श्रीयेश यू ललित के पिता जस्टिस यू ललित जहां खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो वहीं यू ललित के दादा उमेश रंगनाथ ललित सोलापुर में वकील थे। वे आजादी से पहले वहां काम कर रहे थे। चीफ जस्टिस के पिता उमेश ललित भी पेशे से वकील रह चुके हैं। बाद में उनके पिता ने हाई कोर्ट में जज के तौर पर भी काम किया। बता दें कि चीफ जस्टिस के दो बेटे हैं, जिनमें बड़े बेटे श्रीयेश भी पेशे से वकील हैं। वहीं उनके छोटे बेटे हर्षद अमेरिका में रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। श्रीयेश की मां ललिता ललित नोएडा के एक स्कूल में शिक्षिका के पद पर तैनात है। बहरहाल आपको बता दें, योगी सरकार ने भारत के चीफ जस्टिस यू ललित के बेटे श्रीयेश यू ललित को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल में नियुक्त किया था। इस मामले में यूपी प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इसी तरह यशार्थ कांत को कनिष्ठ पैनल अधिवक्ता के रूप में आबद्ध किए जाने का शासनादेश जारी किया गया था और प्रीति गोयल को विशेष पैनल अधिवक्ता और नमित सक्सेना को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में आबद्ध किया गया था। हालांकि अब सभी की नियुक्तियां योगी ने फिलहाल स्थगित कर दी हैं।